I think I've always been a fan of PC प्रियंका चोपड़ा. और मुझे याद है कि जब मेरी पहली फॉरेन विजिट मॉरिशस, I think एक एड फिल्म में गया था और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था. बिकॉज सडनली इट वॉज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. क्योंकि हार्ड टू से कि मेरा पहला ऑडिशन कौन सा था. मैंने एक टीवी शो, एक किस्मत करके टीवी शो आता था. फर्स्ट लव प्रपोजल. अरे मेरा तो स्कूल में था यार, यू नो. बहुत मतलब मैंने थ्रू अ फ्रेंड किसी को, आई वाज सो शाय दैट मैंने थ्रू अ फ्रेंड किसी को बोला था कि यू नो ऐसा है, अगर उन्हें नहीं पसंद आए तो प्लीज कंप्लेन मत करना मेरे लिए, यू नो, और मुझे बोल देना. तो फ्रेंड ने आगे बोला कि मैं बताती हूँ. फिर कुछ दिन के लिए कुछ बात ही नहीं हुई, तो मैं मुझे समझ आ गया कि कुछ हुआ नहीं. तो हाफ हार्टेड बातें रही. अभी उसने आगे बताया नहीं बताया, मैंने कभी कन्फर्म नहीं किया. तो आई वाज वेरी वेरी शाय एंड इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस वेरी ऑकवर्ड फेजेस ऑफ माय लाइफ. फर्स्ट हार्ट ब्रेक कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि इतना कहीं शायद आई थिंक फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद ही टूटता है जनरली. फर्स्ट हार्ट ब्रेक और तभी होता है, यू नो. आई थिंक कॉलेज में शायद, तो वही होता है जो फिल्मों में होता है, बट इतना वैसा नहीं होता है, जैसे थोड़ा रियल इफेक्ट करता है, इंटरनल ज्यादा इफेक्ट करता है. तो उस टाइम पे गानों के मीनिंग ज्यादा साफ सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मुझे. तो यू नो सैड सॉन्ग्स बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. I think I've always been a fan of PC प्रियंका चोपड़ा. और मुझे याद है कि जब वो जिद के एक लॉन्च पे आई थी अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए, so I was very much you know, because I think that time वो संजय लीला भंसाली की फिल्म कर रही थी and she had just broken her, not broken, but sprained her ankle or broken her ankle or something like that. कुछ तो ऐसा उनको injury हुआ था ankle में या foot पे, and she was so at it, मतलब you know with that kind of energy or late at night, 10 रात के तो 10 बज गए थे. And I've always respected her as an artist and a performer, but और बहुत सुंदर लगती है मुझे. तो जब मैंने and the way she carries herself, you know, एक grace है, you know, तो मैं इतना शाय था, यू नो, अपने ही म्यूजिक लॉन्च, अपनी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पे, कि मैं बहुत ही डिसोरियंट हो गया था, बात नहीं कर पा रहा था अच्छी तरह से मुझे या किसी से भी, यू नो. एंड देन शी लाइक जस्ट पॉइंटेड आउट एट मी एंड तो उनकी बहन ने मुझे बुलाया जिनके साथ मैंने काम किया था. मैं आया, मैंने सब नहीं ऐसा क्या हो गया, बट तो मैंने हाय बोला, उन्होंने कहा हाय. कम करण सेट बैठ के मुझे इतना अच्छी तरह ग्रीट किया है, लाइक मैं तो ऐसे बैठना चाह रहा था. तो थोड़ा कंट्रोल को किया इमोशंस को, और फिर मैंने बात करने की कोशिश की उससे पहले. शी वाज सो चिल्ड आउट दैट मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू कर दिए, यहाँ वहाँ की बातें की, तुम कैसे एक्टिंग करते हो, तुम्हारा प्रोसेस क्या है. बोला कि प्रियंका चोपड़ा आस्किंग मी अबाउट माई प्रोसेस. So that's a very beautiful experience, and I don't think she knows this, but her sister knows that I had a huge crush on her that time. So for me, it was just very beautiful. What a memory it was. First foreign visit. My first foreign visit Mauritius. I think ek ad film ke liye main gaya tha, aur bahut hi khoobsurat experience tha, because suddenly it was an out of body experience. Because you know, ऐसी जगह देखना जो इतनी खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं वो लाइफ स्टाइल, वो कल्चर देखना जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. कहीं पे भी जाओ, यू नो, एवरी न्यू प्लेस इज अ न्यू एक्सपीरियंस, यू नो. तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉरेन ट्रिप का बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, यू नो. मैं तो ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, यू नो. एंड आई लाइक डूइंग ऑल द टूरिस्टी थिंग्स, यू नो, जो सारे टूरिस्ट करते हैं वो भी करना पसंद है मुझे. फिर लोकल से जुड़ के
यू नो चीजें समझना और देखना, तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है. मॉरिशियस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप. इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑडिशन, हार्ड टू से कि मेरा पहला ऑडिशन कौन सा था. मैंने एक टीवी शो, एक किस्मत करके टीवी शो आता था, तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं हूँ, मतलब एज अ चाइल्ड आई वांटेड टू जस्ट ट्राई दैट. मतलब पता नहीं मैंने क्यों दिया और कैसे कॉन्टैक्ट बना, क्या नहीं था. आई थिंक मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया होगा कि एक ऐसा रोल है यहाँ, कुछ हो रहा हो तो ट्राई करो, और सिलेक्ट भी हो गया था. मैं पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज स्टडीज और एग्जाम्स की वजह से नहीं हो पाया. तो वो तो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि आई थिंक तबस्सुम मैम थी उस टाइम पे, यू नो, तो उस टाइम पे आई थिंक वो शी वाज पार्ट ऑफ द लुक टेस्ट और ये सारी चीजें. बहुत घर जैसी बात होती थी ऐसे, पहले अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स का स्कोप नहीं था ना उधर इतना, तो आर्टिस्ट और ये सब है ना कम्फर्ट के लिए वो लोग भी आते थे डायरेक्टर के साथ और आपको एक्सप्लेन करते थे. और मेरा काम था सिर्फ खाना और बात करना लोगों से. तो उन्होंने कैमरा वहाँ रख दिया था और मैं मुझे दे दी थी चीज़ें, थोड़ा सा कंफर्ट दे दिया कि ये खाना तुम्हारे लिए ही है. और मैं हमेशा ये सोच रहा था कि ये खाना मुझे क्यों फ्री में खिला रहे हैं, फ्री में कौन खिलाता है खाना, कुछ तो चाहिए इनको मुझसे, इनको मेरी चॉकलेट चाहिए क्या मेरे बैग से. तो मैं बैग को ऐसे पकड़ के बैठा था और ऐसे बात कर रहा था उनसे, बोल रहा बोले इस बैग में क्या है. मैंने नहीं कुछ नहीं है, आपको क्यों पता करना है. तो वो सारी बातें जो हैं उनको वो आई थिंक टेक में बहुत पसंद आई, वो नॉटीनेस और यू नो वो पोजेसिवनेस और ये सारी चीजें. तो आई थिंक वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था. एज अ प्रॉपर परफॉर्मर आई थिंक मैंने एक्टर प्रिपेयर्स का जो कोर्स खत्म किया था अनुपम खेर का, उसके बाद मैंने एक एड फिल्म का ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ. लेकिन वो ऑडिशन मुझे याद है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी और इतनी नर्वसनेस थी कि मुझे अपना ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर गिरने वाला है. सो ये दो एक्सपीरियंसेस मुझे याद है.